तो जो कमिश्नर हैं डीजी खान के डॉक्टर हैं कोई डॉक्टर नासिर काफी बदजुबान मशहूर है उनकी शोधा अफसर है यानी मुजोर अफसर है, मुझोर है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जो है ना लगे कि उनको फोन किया हाँ। भाई आप हाँ। ये आप क्या जीत रहे हैं इंडिपेंडेंट आप कुछ करें इसका हाँ। उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्यों उन्हें भाई ठीक है जीतने तो फिर जीतने मैं क्या करूं उन्हें फिर आपको आपको नताज़ इसके भुगतना पड़ेंगे हाँ। कैसे भुगतें उनको धमकी दी हाँ। तो डिप्टी कमिश्नर जो है शेख खालिदिद परवेज जिनका शेखपुरा से ताल्लुक है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया सही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस फोन किया कि भाई मेरी जान खतरे में है मुझे धमकियां दी जा रही और उसके बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया और कमिश्नर का टेलीफोन संदेशन कर दिया और वहां वही हुआ इंडिपेंडेंस जो है वो जीत गए है तो ये ये भी एक जाहिर ये ये कौन का सलाम पहुंचे ऐसे लोगों को असला मोहम्मद अजर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत सत्रह फरवरी दो हजार चौबीस हफ्ते का दिन है कही हुई बातें तो सच में बार बार दोहराना नहीं चाहता लेकिन बारिश का कतरा एक ऑफिसर बन गया इस ऑफिसर से पहले मुजीबर रहमान शामी ने एक और कमिश्नर के बारे में लाइव प्रोग्राम में कहा और वो डिटेल है मेरी टीम आपके साथ अभी रहमान शामी का वो क्लिप शुरू में चला रही है कि जिसमें उन्होंने कहा कि कमिश्नर ने क्या कुछ वो कह रहे हैं ना कमिश्नर का कोई रोल नहीं है उस वक्त किसी ने कोई बात नहीं की उस वक्त फिर बाद में प्रेशर बहुत आ गया और निगरान हुकूमत अभी देखे ना जिस तरह बैठकर उठ के जाके आ गई और जो वो काम करती फिर रही है और वो मरियम औरंगजेब जाग गई अनिश अबासी जाग गए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख्याल आ गया वो बड़ा को ड्रामा डामा किया लेकिन किसी ने यह भी तो सोचा ना कि जनाब लिया चट्टा साहब की बेटे की शादी थी तो सी और बहुत सारे तस्वीर तो बैकग्राउंड पे जरा चल रही है जरा समझने के लिए और वो एक हसन वकार चीमा है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी उनके वालिद का नाम वकार चीमा है ऐसे चले आगे चलने से पहले जरा पहले जैसे चले छोटी सी बात है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला किया कि आज खुद नोटिस ले रहा कि नहीं ले रहा और जमत इस्लामी कमिश्नर राहुल बिन्नी का इनकाफत हमारे मौक़ की तइद है जमात इस्लामी सराजुल्ला का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया चौधरी मून सलाई की इजातें क्यों जब्त हुई तो शाह खानों ने कहा कि फैसले चैलेंज होकर नंबर लग चुके हैं इमरान खान का बड़ापन क्या है परवेज़ खटक मुस्ताफ़ी सर सलमान एकरम राजा जिसने प्रोग्राम कर रहा हूँ उस वक्त तो बाकायदा पटिशन भी दायर की गई लेकिन वो पटिशन लगाई नहीं गई वकील हैं लीडर हैं और उसको कम से कम यानी ये तो नहीं है कि आप उसे रातों तो में गुजारें वहाँ पर वो तो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए थी चलें अभी आपके सामने रिपोर्ट ये कुछ पेज हैं ये देखें बैकग्राउंड पे चल रहे हैं लियाकत अली चट्ठा रिपोर्ट रिपोर्ट के बारे में और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जरा बड़ी मज़ेदार बात आपके सामने पढ़ना चाहूँगा मज़ा आ जाएगा रिपोर्ट में कह रहे हैं गुजारिश है कि अली चट्ठा गुलाम हैदर कम चट्ठा सकना सुनिया वाला इलाका की जिला हफजाबाद कमिश्नर रावलपिंडी पिंडी एक जिम्मेदार से ताल्लुक रखते हैं सर्विस मुख्तलिफ कलीदी पोस्टों पर तैनात रहे और शहबाज शरीफ के वजारत आला दो हजार तेरह से दो हजार अट्ठारह के दौर में सिया सेट में जिम्मेदारी सर अंजाम देता रहा दुरान तैनाती लियात अली चट्टा शरीफ खास शरीफ फैमिली का खास बंदा बन गया खूस हमजा शरीफ का दस्ते राज बन गर्दाना जाता रहा डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी तैनात रहे जिसमें आम बात थी कि लियाकत चट्ठा हमजा शरीफ के जेर साया पोस्टिंग लेता है साल दो हजार तेरह के इलेक्शन में हमजा चट्ठा लियाकत चट्ठा के घर सुइया वाला भी आया लियाकत ने अपने जेर खानदानों से पी एम एल एल के लिए वोट भी मांगता रहा लियात अली चट्ठा के बहनोई और चजाजात भाई चारत अली चट्ठा साइया वाला का चेयरमैन यूनियन कौंसिल रहा जो पी एम एल एन से वाबास है मैं खुद नहीं पढ़ा ये रिपोर्ट जो मेरे पास आई है और यह आमिद मीर ने भी शेयर की है चूंकि एक बेहन शोब यात ताड़ड़ सकरा अमरू अकल साहब का यूनियन काउंसिलर साहब का एम पी ए मामो जाफर ताड़ का जाफर ताड़ का करीबी दोस्त और इस्तेकाम पार्टी से वाबस्ता तीसरा बहनोई नसरुल्ला खान चट्ठा इंस्पेक्टर जिला पुलिस है चौथा मोहम्मद जमान खान चट्ठा जो हज़रत साहब है क्या माली में जिम्मेदार है ज़्यादातर रहमान गार्डन वाली रहाइश में ही रहता है ज़िला हज़ामी उसका बाब महदूद है किसी किस्म की कोई कि कि सियासी ीति रंजिश या दुश्मनी ना है और जलई शख्सियात से ज़्यादा जो मेल जोल, जोल न रखता है जबकि ताड़ फैमिली सायरा अफजल ताड सबक एम एन ए के ख़ानदानी ताल्लक हैं मरासम हैं और जो करप्शन की बातें करते थे कोई माली करप्शन या बेज़ाबत का स्कैंडल सर मालूम ना है जहनी और जिसमानी तौर पर मजबूत आदमी है और उनके गांव में जितनी कोई ज़मीन है दो बच्चे हैं दो बेटे हैं उनके आ, उमार लियाक़त शाजी रहमान गार्डन के मालिक की बेटी के साथ हुई है और नौमीर लियाक़त इंग्लैंड में मुक्म है और तीन भाई हैं एजाज अहमद दोई में ट्रांसपोर्ट का कारोबार रखा का। मैं सिर्फ आपके सामने रख रही है सियासी की सारी मैंने आपके सामने चला दी है अब यहाँ आए यहाँ चीफ़ जस्टिस साहब ने क्या कहा ज़रा वो सुनिएगा उन्हें ज़रूरत क्या थी मीडिया के सामने आने की और जवाब देने की जज स्पीक थ्रू थ्रू जजमेंट उनकी बातें कहा करता हूँ और सफाई डॉक्टर सजाद की दो बातें बड़ी जबरदस्त है वो मैं भूलता नहीं हद से ज्यादा खलूस इंसान को मशकूक बना देता है और सफाई नकबाल जुर्म है यानी ये लंडन लंडन में आपको पता होता रहा क्या लंडन में होता था लंडन में बरियम नवाज में सारे यही कहते थे हमारा चीफ जस्टिस आएगा या हमारा जज आएगा और उसके बाद हम सारा कुछ देख रहे हैं हमारे सामने है पता नहीं बात सही है या गलत है आ, लेकिन चीजें तो समझ नहीं पाता और किसी जगह बैठ कर बहुत सी बातें भी होती हैं और क्या कुछ कह चाह रहा है ये अब ये अच्छा चलें कुछ माजी में से आपको मरियम सफदर इस बारे में क्या कहती रही जरा वो सुन लीजिएगा चीफ जस्टिस साहब के बारे में अब तो तो ये मार्शल लॉ भी नहीं लगाते वो मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कम वक्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है और उस नजरिया जरूरत को जिसको बार बार आमिरों के लिए जिंदा करते हो अपनी कुर्सी पे टिके रहने के लिए कभी एल एफ ओ कभी पी सी ओ का हलफ लेते हो कभी क्या कोई नजरिया जरूरत पाकिस्तान के अवाम के काम आया बताओ पाकिस्तान के अवाम के कोई नजरिया जरूरत काम आया क्या कोई नजरिया जरूरत पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लगा कभी पाकिस्तान के जो लाखों लोग बेगुनाह लोग जेलों में कैद हैं अडयाला जेल में कैद हैं, पाकिस्तान की तूलो अर्ज में फैली हुई जेलों में कैद है कभी कोई नजरिया जरूरत उनके लिए भी जिंदा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर रावलपिंडी के जवाज को नोटिस ना लेने देने का फैसला किया जजिस के साथ मुशावरत के बाद किया और मुकदमा सत्रह उन्नीस दिसंबर फरवरी को पहले ही मुकर है और वो हम ख्याल बेंच है क्या है हम ख्याल बेंच है हम ख्याल बेंच वो क्या करेगा बनाए ना पूरी सुप्रीम कोर्ट यहाँ बिठाए ना पूरी सुप्रीम कोर्ट आए ना यहाँ पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे और आकर जवाब देना इस बातों का ये टाइम है पूरी सुप्रीम कोर्ट का वो आके वक्त जवाब दे और वो कह रहे हैं पहले से मुकर करदा मुकदमे में, में कश्मीर रावलपिंडी का जायज़ा लिया जाएगा यहाँ जमत इस्लामी के जो मरकज़ी मज़बुरा ने शराजुल हक हाँ का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और शराजुल जमात इस्लामी ने एक कमिश्नर राउलपिंडी के इंती द ना इल्ज़ाम को अपने मौक़ की तोयद करार दिया तर्जुमान जो जमत इस्लामी का ना उम्मीद है वक्त गुजरने के साथ मजीद इंकशाफ़ा भी सामने आएँगे और दस फरवरी को ही कमीशन का मुतालबा किया था मुल्क भर में इंतबी तदमियों के खिलाफ कौम को वाजे एजेंडा देंगे जमात इस्लामी इंतबी नाजाज मुल्क भर में ए तजाजी तहरीक चलाएगी और ये उनका बड़ी वादे तौर पर यह कहना है और आपको जो बात समझने वाली है वो बहुत ही अहम है आगे, आगे आपको ले चलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो मून सलाई की जायदादें मजमद कर दी हैं रेड वारंट जाने थी नहीं पर नहीं। रेड वारंट कुछ नहीं होता ये बेवकूफ़ बना रहे और आज तक हम ये देखते आए हैं कि क्या हालात और वाक़ात चले आ रहे हैं जो जायदादें मजमद की हैं सेंट्रल जज ने उन्हें आगे ट्रांसफ़र करने से रोक दिया है एफ़ आई ए वही एफ आई है जो नवाज़ शरीफ की ज्यादा मुजमत किया करता था और तफसी वो सेंट्रल जज अदालत में पेश कर दी है तहरी हुक्म जारी कर दिया रिपोर्ट के मुताबिक मोन सलाई से अदालत से इश्तिहारी हो चुका है क्या करेगा यहाँ के आपके पास मुझे ख़ुद बता दीजिएगा जो निज़ाम ही सारा जो पूरा निज़ाम कम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर एफ आई से मुन्सलाई के रेड रोड होनेजीद पेशरफ से भी उन्होंने पूछा है कि बताएं ना वो क्या है और अगली जो बात बड़ी ज़बरदस्त है ऐसे चले इमरान खान साहब और अलिया बुशरा ने तो निकाह जो फैसले चैलेंज किए हैं उनका नंबर लग गया और रिश्ता नैब को फ्री बनाया गया इकतीस जनवरी का ऑर्डर कलदम करार देने की कोशिश किया नैब ने तसब फरी भी है बायस भी है और बदनी थी बस में कोई शक नहीं है ये रेफरेंस बनता ही नहीं है ये रेफरेंस किस बुनियाद पे बनता है अब आप फ्रॉड और आप फ्रॉड और फ्रेप पर मबनी है ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें याद रखिएगा फ्रॉड और फ्रेप पर मबनी है प्रवेश खटक ने इस्तीफ़ा दे दिया वो नजर आ गया कि उन्हें सीटों का वादा किया गया था सीटें नहीं मिली उनको पाकिस्तान तहरीक आ, के भी के मैं आपको पता लोग सड़कों पे आ जाते हैं एहतजाज करते हैं अगर पंजाब में भी इस तरह का होता तो इस तरह के ये ना हो सकते लोगों ने वोट दिया इमरान ख़ान को वोट दिया तब्दीली को वोट दिया और ये बड़ी बात है इजाज़त चाहता हूँ सलामकुम अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद